1380 किलोमीटर का लंबा हाईवे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने वाला है और जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है जो जोड़ेगा दिल्ली और मुंबई को। दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है और एक जो कि कमर्शियल जो राजधानी जिसको बोल सकते हैं वित्तीय राजधानी मुंबई, उसके बीच में ये कनेक्टिविटी रहने वाली है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1380 किलोमीटर की रहने वाली है। एक्सप्रेसवे से मैं आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा और इसको JLN पोर्ट जो कि मुंबई में है, जवाहरलाल पोर्ट को जोड़ा जाएगा और इसके अलावा ये हाईवे है, ये जो एक्सप्रेसवे जिसको हम बोल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, टोटल 6 राज्यों को जोड़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसके जो मेन शहर हैं और जो गुजरात में जो शहर हैं, हरियाणा के जो शहर हैं, मध्य प्रदेश के जो शहर हैं और जो महाराष्ट्र के जो शहर हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, मेन डिटेल जो कि मेन सिटी हैं उनको, ये कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट करने वाला है। तो देखोगे आप लोग, दिल्ली से स्टार्ट होकर ये राजस्थान में प्रवेश करता है और राजस्थान में जयपुर, फिर किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, फिर MP में जाने के बाद में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जो कि एक मेन जिसको बोलते हैं कि आर्थिक जो है कनेक्टिविटी, जो कि कमर्शियल तरीके से जो हैं जो कनेक्टिविटी रहने वाली है वो इन शहरों से रहने वाली है। बाकी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे मेन जो शहर हैं उनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने वाला है। और अभी आप लोग सामने देखोगे तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये बन के तैयार हो चुका है और ये जो लोकेशन है ये राजस्थान की लोकेशन है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्सप्रेसवे जो एशिया का पहला तथा दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें वन्य जीवों के लिए आवाजाही के लिए ओवरपास और अंडरपास बनाए जाएंगे, जिसमें टोटल 5 ओवरपास बनाए जाएंगे जिनकी लंबाई 7 किलोमीटर की होगी। एक्सप्रेसवे में 2 आइकॉन लेंस सुरंग भी बनाई जाएंगी जो कि इंजीनियरिंग का एक नया नमूना होगा और मुकुंद्रा अभ्यारण्य के माध्यम से 4 किलोमीटर लंबा एक जीवों को परेशान न करने वाला एक अंडरपास बनाया जाएगा और जिसमें 8 लाइन की सुरंग रहने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान में इसकी जो टोटल लंबाई रहने वाली है वो 374 किलोमीटर की लंबाई रहने वाली है और टोटल राजस्थान में 1,06,600 करोड़ रुपये की लागत इसमें आने वाली है। और राजस्थान में इसकी जो मेन कनेक्टिविटी रहने वाली है वो रहने वाली है दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ज़िले से होके गुजरेगा और वहीं पे इसकी मेन जो कनेक्टिविटी है वो रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दौसा ज़िले में ये आगरा और जयपुर का जो NH 21 है उसको कनेक्ट करेगा, जो कि भंडा रेंज में इसका इंटरचेंज बनाया गया है। और फिर एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, चाकना बांध के ऊपर 1100 मीटर लंबा एलिवेटेड एक पुल बनाया गया है जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन नमूना है। बाकी जो मेन जो पुल रहने वाले हैं उनकी नदी के नाम मैं बता दूं, जिनके ऊपर होके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में निकलने वाला है, एक तो बाणगंगा नदी के ऊपर बहुत मेजर पुल बनाया गया है, एक बनास नदी के ऊपर बनाया गया है और एक चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसकी जो टोटल लंबाई रहने वाली है वो 245 किलोमीटर रहने वाली है और 1,11,00,000 करोड़ रुपए की इसकी कुल खर्चा आने वाला है। और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी मेन तरीके से भानपुरा, झालावाड़, गरोट, सीतामऊ इंटरचेंज सहित मंदसौर के 3 क्षेत्र इसमें आने वाले हैं और रतलाम, उज्जैन, नगाड़ा रोड, महू, नीमच, रतलाम आदि रोडों को ये जोड़ा जाएगा और 2 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन ब्रिज एक बनाया गया है जो कि 8 लाइन का रहने वाला है। भरूच जो कि नर्मदा नदी के पास में है, जो गुजरात में है, वहाँ भी एक बहुत अच्छा एक स्पेन ब्रिज बनाया गया है जो कि अपने आप में एक बहुत ख़ास है। तो ये रहा मेन कनेक्टिविटी का
ऑप्शन जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।